अदाब नाज़रीन, साहिल ऑनलाइन की फटाफट खबरों में आपका इस्तकबाल है। देश दुनिया से जुड़ी 15 अहम खबरों को देखिए महज 3 मिनट। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अभिषेक सिंघवी और प्रशांत भूषण ने गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। गिरफ्तारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने महाराष्ट्र हुकूमत को भेजा नोटिस। भीमा कोरेगांव और पीएम के कत्ल की साजिश मामले में मुख्तलिफ रियासतों में मारी गई छापेमारी और गिरफ्तारियों पर उठाए जा रहे सवाल। गिरफ्तारियों को हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी से किया जा रहा है ताबीर। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने असली गुनहगारों को बचाने का करा दिया मंसूबा। गिरफ्तारियों को लेकर मुल्क भर में तेज हुई सियासत। राहुल गांधी ने गिरफ्तारियों पर की सख्त तनकीद। न्यू इंडिया में सिर्फ एक एनजीओ आरएसएस को है जगह। समाजी कारकुनान को जेल और शिकायत करने वालों का न्यू इंडिया में किया जाता है कत्ल। शरद यादव ने भी गिरफ्तारियों को लेकर उठाए सख्त सवाल का। गरीबों के लिए लड़ने वालों पर की गई कार्रवाई। उन्हें जेलों में बंद कर मुल्क की आवाज को दबाना चाहती है सरकार। हुकूक इंसानी कारकुनान को अदालत से मिली बड़ी राहत। गिरफ्तार पांचों मुलजिमीन को पुलिस तहवील के बजाय अपने घरों में ही नजरबंद रखने सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। 6 सितंबर को होगी अगली समाअत। नोटबंदी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों से फंसी मोदी सरकार। 99% से जायद पुरानी करेंसी बैंकों में पहुंची वापस। ब्लैक मनी वापस लाने का दावा साबित हुआ झूठा। नोटबंदी पर मोदी मुल्क के आवाम से क्या मांगेंगे माफी। कांग्रेस ने उठाया सवाल। नोटबंदी से 15 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों की गई थी मुलाजिमत। कई छोटे बड़े कारखाने भी हुए थे बंद। साल भर में 2.5 लाख करोड़ के नुकसान का जताया जा रहा है तखमीना। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार। हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार से रियासत भर में चल रहे शेल्टर होम की मांगी जानकारी। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर की निगरानी में जांच की दी हिदायत। 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। केरल कोची एयरपोर्ट पर बहाल हुई तैयारों की आवाजाही। सैलाब के 14 दिनों बाद एयरपोर्ट पर नजर आई हलचल। आज आधी रात तक 63 तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ करना पाया जाए। उत्तराखंड के कापकोट में फटा बादल। 7 लोगों की भी दर्दनाक मौत। देर रात पेश आया हादसा। इलाके में पसरा मातम। औरंगाबाद में बिगड़ते हालात के लिए कौन जिम्मेदार के मौजू पर पीएफआई की जानिब से मुनाकिद किया गया है। क्या अहम इजलास। मुकर्रीन ने मुसलमानों की बेहिसी को बताया मौजूदा बिगाड़ का सबब। इजलास में बाहमी इतिहाद पर भी दिया गया जोर। भटकल के सियासी और समाजी खिदमत गुजार मरहूमिन की याद में भटकल न्यूज की जानिब से मुनाकिद किया गया है। क्या अहम इजलास। मरसिया पढ़कर मरहूमिन को पेश किया गया खराज अकीदत। इजलास में समाजी खिदमत गुजार मरहूम दामोदी अब्दुल्ला की याद में दस्तावेजी सवेनीर का किया गया रस्म इजरा। असलाफ की खूबियों को अपनाने मुकर्रीन ने दिया जोर। कर्नाटक के मुंडगोड़ में मरकजी वजीर आनंद कुमार हेगड़े की सदारत में बीजेपी मीटिंग के दौरान हुआ हंगामा। पटन पंचायत इलेक्शन में टिकट को लेकर बीजेपी अराकीन में हुई तकरार। बहस के दौरान मीटिंग छोड़कर चले गए मरकजी वजीर। कर्नाटक के हुबली में डिलीवरी पेशेंट की मौत के बाद हुआ हंगामा। ऑपरेशन कर बच्चे को जन्म देने के बाद 23 साल खातून की हुई मौत। रिश्तेदारों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम आयद कर किया सख्त एहतजाज। डॉक्टरों ने इल्जाम को बताया बेबुनियाद। गूगल से नाराज है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। गूगल पर इडियट लिखने से खुलती है डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर। ट्रंप ने गूगल को दिया सख्त कार्रवाई का इंतबाह। नाज़रीन, देश दुनिया से जुड़ी हर खबर पर सबसे पहले नजर रखने के लिए साहिल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल करें सब्सक्राइब। फिर होगी मुलाकात है हम खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। आदाब।